बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाले लोगों का अवतरण इस धरती पर कभी कभार होता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं होता है। हालांकि कहा जाता है कि हर व्यक्ति एक विशेष तरह की प्रतिभा का धनी होता है, लेकिन विभिन्न तरीके के प्रतिभाओं का सामंजन किसी एक व्यक्ति में विरले ही देखने को मिलता है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व के मालिक थे राहुल सांकृत्यायन। हालांकि इनका मूल नाम केदार पांडे था, लेकिन सन 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद इनका नाम केदार पांडे से राहुल सांकृत्यायन हो गया। इनका जन्म सन 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदाहा नामक गांव में हुआ था। यहाँ उनका ननिहाल था। राहुल सांकृत्यायन का पैतृक गांव कनौला है। इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। यह एक साथ विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखते थे, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, रूसी इत्यादि भाषाओं की जानकारी राहुल सांकृत्यायन जी को थी। इसके साथ ही साहित्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने उपन्यास, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि कई विधाओं में रचना की है। इनकी 150 से भी अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें दर्शन, राजनीति, विज्ञान, धर्म, इतिहास इत्यादि विषय समाहित हैं। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने अपने पांडित्य से साहित्य को एक नई विधा दी, और वो है घुमक्कड़ी साहित्य। घुमक्कर लोगों का उद्देश्य पंडित जी की नज़र में मंजिल पर पहुंचने से अधिक यात्रा की रोचकता का अनुभव करना था। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति घर से निकलता है, तो घर से निकलने के साथ ही उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में उसकी मंजिल समाई होती है, और वह जैसे तैसे वहां पहुंचना चाहता है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन की नज़र में मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण थी यात्रा का अनुभव, और वो इसलिए कि यात्रा के क्रम में हम जहाँ जहाँ से भी गुजरते हैं, वहाँ के प्राकृतिक दृश्य, भौगोलिक बनावट इत्यादि का अवलोकन यदि हम करते हैं, तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। यात्रा के क्रम में यदि हम कहीं रुकते हैं किसी खास जगह पर, तो हमें वहाँ के जनजीवन, रीति रिवाज, संस्कृति, परिधान इत्यादि के बारे में, जो वहाँ के लोगों के आम जनजीवन की वेशभूषा है या आम जनजीवन में शामिल है, वो सब कुछ देखने को, जानने को मिलता है। कहने का मतलब है कि मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है, और मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान हासिल करना। मनोरंजन हमारे लिए ज़रूरी है। हम यात्रा करते हैं मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन यदि मनोरंजन के साथ साथ हमें कुछ और मिल जाए, हम कुछ और जान जाएं, तो यह एक पंथ दो काज होता है। आज आप कहिएगा कि हमें इन सब की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, कारण है गूगल। आपका सीधा साधा जवाब होगा कि गूगल से सर्च करके हम सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन आज आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, आज सौभाग्यवश आपको जो दुनिया, जो तकनीक, जो विज्ञान विरासत में मिल गया है, आप कल्पना कीजिए कि क्या यही स्थिति आज से 30-40 वर्ष पहले भी थी। आप अपने ही घर के लोगों से पूछिए, पता कीजिए कि एक पत्र के इंतज़ार में कैसे उनकी आंखें पथरा जाती थी। घर से दूर यदि कोई व्यक्ति है,
घर का कोई सदस्य घर से दूर है तो उसकी खोज खबर लेने में लोगों को महीनों लग जाते थे, और डाकिये का इंतजार भगवान की तरह लोग अपने दरवाजे पर बैठ कर किया करते थे। तो आज भी, हालांकि देखा जाए तो आज भी सबके लिए संभव नहीं है कि सबके घर में मोबाइल है या हर कोई गूगल तकनीक से संबंधित विषयों को खोज लेना, जान लेना हर किसी के लिए संभव है। लेकिन आज के दौर में करीब करीब लिखने पढ़ने सब किसी को आता है। तो हालांकि जमाना नया है, जब पहले की स्थिति में हम जाते हैं तो उस परिस्थिति में एकमात्र जरिया था लोगों को जानकारी देने का, दिलाने का, जानकारी प्राप्त करने का, वो थी पुस्तकें या लिखित आधार। तो हर व्यक्ति के लिए श्रीलंका जाना, हर व्यक्ति के लिए तब तिब्बत जाना, हर व्यक्ति के लिए अमेरिका जाना संभव नहीं था, आज भी संभव नहीं है। तो इस परिस्थिति में लोग पढ़ करके वहाँ के रीति रिवाज, भाषा संस्कृति, लोगों के वेशभूषा परिधान, जनजीवन की शैली इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। उन्हें भी लगता था थोड़ा देर के लिए कि हम वहाँ विहार कर रहे हैं, हम वहाँ विचरण कर रहे हैं या वहाँ के दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए राहुल सांकृत्यायन यात्रा को अधिक महत्व दिया करते थे और यात्रा वृत्त लिख करके लोगों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते थे। आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का दूसरा पाठ है लहासा की ओर, यह भी एक यात्रा वृत्त है और राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा ही लिखा गया है। इसमें उन्होंने एक भिखमंगे के भेष में तिब्बत की यात्रा की है और इन्हें वो भेष इसलिए धारण करना पड़ा क्योंकि तब तिब्बत की यात्रा भारतीयों के लिए प्रतिबंधित थी। ये सन 1929-30 की बातें हैं, तब हम तिब्बत नहीं जा सकते थे, भारतीयों के लिए प्रतिबंधित था तिब्बत की यात्रा करना। तो उस परिस्थिति में इन्हें तिब्बत जाना था, इन्होंने मन बनाया कि हम तिब्बत घूमेंगे, देखेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक भिक्षु का वेश पकड़ के ये चोरी छिपे नेपाल के रास्ते तिब्बत में दाखिल हुए। यह पाठ उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा का अंश है। इसके बारे में विस्तार से हम लोग अगले विजुअल में चर्चा करेंगे। संक्षेप में हम आपको बता देते हैं कि इसमें भिक्षुक के वेश में, जैसा कि हमने पहले कहा, लेखक तिब्बत में दाखिल होते हैं। वहाँ एक सबसे अजीब बात जो इनको देखने को मिलती है, एक सबसे रोचक चीज़ कहिए या एक विस्मय देने वाली बात, कि वहाँ के लोग जो हैं वो अमीरों से अधिक गरीबों का आदर करते हैं, दौलतमंदों से ज़्यादा इज्जत प्रतिष्ठा वहाँ भिखमंगों को दी जाती है। बहुत दुर्गम रास्ते थे और रोचक यात्रा थी। इस पाठ के संदर्भ में चर्चा हम अगले विजुअल में करेंगे।